दोस्तों इधर दो चार दिनों से टीआरपी को लेकर काफी हल्ला मचा हुआ है जब से ये सुशांत का केस आया है और कई टीवी चैनलों ने अपनी टीआरपी को लेकर के खूब हल्ला मचा हुआ है। 8 अक्टूबर को रात के 8 बजे टीआरपी को लेकर के एक रैकेट का भंडा फोर किया है, टीआरपी बढ़ाने का काम करते थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टीआरपी क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ और अगर आप चाहते हैं कि हमारी और आपकी मुलाकात ऐसे ही होती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब बात कर लेते हैं कि टीआरपी होती क्या है। टीआरपी का मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट से होता है। इससे यह पता चलता है कि कौन सा टीवी शो कितनी बार देखा गया या कितना हिट रहा, कितना सुपर हिट रहा। इसी से पता चलता है कि किसकी टीआरपी कितनी अधिक रही। कैसे पता चलता है कि टीआरपी किसकी अधिक रही या टीआरपी मापने का मेजरमेंट क्या है, कैसे टीआरपी मापी जाती है। तो टीआरपी को मापने के लिए पीपल मीटर, जो कि कुछ चुनिंदा शहरों में और कुछ घरों में लगाया जाता है, जहां पर भी यह पीपल मीटर लगाया जाता है, जैसे ही यह लगाया जाता है अब पीपल मीटर उस एरिया के सेटअप बॉक्स से कनेक्ट हो जाता है। तो पीपल मीटर में क्या जानकारी होती है दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिरकार पीपल मीटर में क्या जानकारी होती है। पीपल मीटर हमें यह इन्फॉर्मेशन, यह जानकारी देता है कि कौन से टीवी शो को कितनी अधिक बार देखा गया है। अब इसके लिए दो संस्थाएं हैं, एक INTAM और DART, दो संस्थाएं हैं जो कि INTAM इंडियन टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट, जो कि यह मापता है कि कौन से शो को कितनी अधिक बार, किसने चैनल को सबसे अधिक बार या किस शो को सबसे अधिक बार देखा गया है। जबकि DART संस्था जो है दूरदर्शन ऑडियंस टीम जो कि अब काम करती है, लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली काम करती है। जब भी टीआरपी की लिस्ट आती है कि यह शो जो कि टॉप 10 या टॉप 20 शो निकालते हैं कि जो टॉप 10 लिस्ट में सबसे ऊपर रहा, इसकी टीआरपी वीकली सबसे अधिक रही या सबसे अधिक बार इस वीक में इसको देखा गया, इसके लिए जो संस्था है बार्क, एक संस्था है जो कि टीआरपी को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जो कि हर वीकली साप्ताहिक जो है वह टीआरपी डिफाइन करती है कि कौन सा शो कितनी अधिक बार देखा गया। अब टीआरपी का टेलीविजन से या टीवी चैनल से या टीआरपी से क्या संबंध है, लोग टीआरपी को लेकर इतना परेशान क्यों है। तो दोस्तों इसको ऐसे समझिए कि जिसकी टीआरपी सबसे अधिक रही उसकी सबसे अधिक इनकम होती है। अब इसमें इनकम कैसे होता है, जिसकी सबसे अधिक टीआरपी होती है उसी पे जो भी एड्स वाले जो लोग भी एड दिखाना चाहते हैं उसी चैनल पे या उसी शो पे सबसे अधिक एड्स लगाएंगे तो उसकी कीमत वैल्यू बढ़ जाती है। जितनी अधिक टीआरपी आती है उतनी अधिक इनकम होती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं।